देश के कई हिस्सों में बारिश ने आफत मचा दी है। कई राज्यों में इस समय बाढ़ जैसे हालात बनी हुई है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की पूर्वानुमान लगाया हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में भी लंबे समय तक बारिश का सामना करने की उम्मीद है, जो पिछले शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में हुई भारी बारिश के कारण हुई गंभीर अव्यवस्थाओं को और बढ़ा देगा, जिससे स्थानीय समुदायों पर काफी असर पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। कुछ इलाकों में 8 से 9 जुलाई को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह पश्चिमी मध्य प्रदेश, ऊपरी हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम तथा बिहार में 8 जुलाई को पर्याप्त बारिश होने का अनुमान है। पूरे भारत में व्यापक भारी बारिश ने जून की हुई कमी को भरपाई करने के लिए बेसब्री से आगे बढ़ रहा है, जिससे कुल मानसून बारिश सरप्लस हो जाएगी। वहीं दिल्ली में हल्की बारिश और उच्च नमी का अनुभव जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप धूल रहित लेकिन सुखद बादल छाए हुए हैं। IMD के अनुसार दिल्ली में 8 जुलाई से 12 जुलाई तक बारिश की उम्मीद है। 11 जुलाई को संभावित अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दौरान राजधानी में बादल छाए रहेंगे। वहीं बात करें दक्षिण के मौसम के बारे में, तो मध्य महाराष्ट्र, कोणार्क, गोवा और कर्नाटक में अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के अगले सप्ताह की शुरुआत तक कुछ स्थानों में भारी बारिश का अनुमान। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई दुखद घटनाएं भी हुई हैं, जिनमें डूबने और भूस्खलन की घटनाएं शामिल हैं। उत्तराखंड में डूबने और भूस्खलन की घटनाओं के कारण कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है, जिसमें बद्रीनाथ जाने वाले राजमार्ग सहित प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे परिवहन संबंधी चुनौतियां और बढ़ गई हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान में इस समय भारी बारिश हो रही है। पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार तक इसकी तीव्रता में कमी आ जाएगी। हालांकि राज्य के पूर्वोत्तर भागों में 9 से 10 जुलाई तक बारिश बढ़ सकती है, जिसका असर बीकानेर और जोधपुर जैसे क्षेत्रों में पड़ सकता है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसमें 29 जिलों के 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसमें संकट और भी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने समुदाय और वन जीवों पर विनाशकारी प्रभाव देखा है। साथ ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के हताहत होने की भी सूचना मिली है। क्योंकि भारत में और अधिक बारिश होने की संभावना है, इसलिए अधिकारियों और समुदायों के सतर्क रहने और गंभीर मौसम की स्थिति में प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। AMP टाइम्स की रिपोर्ट।